अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज, कैसे गुजर रहे हैं दिन? घर के अंदर गर्मी बढ़ रही है ना, और ऐसे में समंदर पर जाने का बहुत दिल चाहता है, लेकिन हम तो जा नहीं सकते भाई, क्योंकि आजकल तो घर में रहना है बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेरा एक दोस्त है जो रहता ही समंदर के किनारे है, मगर वो ना थोड़ा गड़बड़ करता है, उससे बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, और कभी कभी तो ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं कि सब परेशान हो जाते हैं। उसकी गलती की कहानी सुनाऊं आपको? आइए सुनिए। इस कहानी का नाम है नमकीन, और इसे लिखा है जहरा नासिर ने, और मुसव्विरा है मशल खादिम। अब्दुल्ला का घर समंदर के किनारे पर था। इस छोटे से घर में उसका खानदान खुशी से रहता था। अब्दुल्ला तो हर वक्त समंदर के खूब मजे लेता, कभी लहरों में नहाता तो कभी दूर तक तैरने चला जाता, अब्बू के साथ मछलियां पकड़ता और फिर उनको साफ करता। लेकिन घर के कामों में वो कभी हाथ नहीं बटाता था। आखिर आज पहली बार अम्मी ने उससे कहा, तुम्हारा बड़ा भाई तो अब काम पर लग गया है, अब घर के लिए पानी लाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, जाओ उस कुएं से ये बाल्टियां भर लाओ। कुआं? अब्दुल्ला ने हैरानी से सोचा, मैं इतनी दूर क्यों जाऊं भला, मेरे तो दरवाजे पर ही इतना ज्यादा पानी है। अब्दुल्ला ने भागकर समंदर की लहरों से बाआसानी अपनी बाल्टियों में पानी भर लिया और खुशी खुशी घर ले आया। अम्मी कहने लगी, शुक्रिया, तुम तो बड़ी जल्दी वापस आ गए, क्या इतने भारी बोझ के साथ तुम भाग कर आए हो? अब्दुल्ला बोला, शायद मैं भाई से ज्यादा फुर्तीला हूं। फुर्तीले तो तुम हो, अम्मी ने कहा, अब जल्दी से पानी दो, मैंने सालन में डालना है और मैंने बबली को नहलाना है, दादी भी पानी ले गई, और मैंने सब्जियों को पानी देना है, अब्बू भी पानी ले गए। यूं पानी आते ही फौरन घर भर के सारे काम शुरू हो गए। तब अचानक बबली के चीखने और चिल्लाने की जोरदार आवाज ने घर वालों को चौंका दिया। अरे क्या हुआ, एक मिनट पहले तो बबली खुशबाश था, अम्मी ने दादी से पूछा, ना जाने अचानक क्या हो गया है इसे, दादी ने परेशानी से जवाब दिया, देखो इसकी जिल्द और आंखें बिल्कुल लाल हो रही हैं, अभी तो साबुन को मैंने हाथ भी नहीं लगाया, ये तो नमकीन पानी है। भागे, बबली की आंखों को साफ पानी से फौरन धोना होगा, बेचारा बहुत तकलीफ में होगा, अम्मी ने कहा, और दादी कुएं की तरफ दौड़ पड़ी। उफ, अब तो मेरा सारा सालन भी खराब हो गया और मेरी सब मेहनत भी जाया हो गई, अम्मी ने परेशान होते हुए कहा, मेरी प्यारी सब्जियां भी खत्म, ये तो मेरी कई महीनों की मेहनत थी, अब्बू दुखी होकर कहने लगे, और फिर सब की नजर पड़ी अब्दुल्ला पर, जो शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़ा था। मुझे क्या पता था, वो बोला, कि समंदर का पानी हम घर में इस्तेमाल नहीं कर सकते। उस दिन के बाद अब्दुल्ला से गलतियां तो बहुत हुई, लेकिन ये गलती उसने फिर कभी नहीं दोहराई। आपसे भी तो ऐसी कोई गलती नहीं होती?